नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अज्ञात लोगों के द्वारा खेतों में लगाया जा रहा आग, पशु पक्षियों को हो रही है चारा के लिए समस्या। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिल्ली एवं मुड़पार के किसानों के खेतों में आग लगाई गई है। वही किसानों के खेतों में लगातार आग लगाने की घटना सामने आ रही है, जिससे खेत में रहने वाले जीव जंतु एवं पशु पक्षियों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों में आग नहीं लगाया है और खेत से पैरा को इकट्ठा करके गौठानों में पैरादान करना है, जिससे मवेशियों के लिए चारा एवं पैरा की उत्तम व्यवस्था हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और कुछ लोग लापरवाही करके खेतों में आग लगा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई एवं जुर्माना किया जाना चाहिए। जेएक्स न्यूज से छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। संतोष कुमार कहाँ से? बलौदस। अच्छा, अभी ये ग्राम पंचायत सिल्ली के खेत में आगे लगे दिखा थे, और छत्तीसगढ़ की सरकार का कह रही से भाई पैरा दान कर है, कह रही है सरकार एक से का का नुकसान होते? एमा तो बहुत नुकसान होते। हमारे जो मित्र कीड़ा है तेहू मरते, जीव जंतु मन मरते, और प्रणाली जला ले, खातु भी है चले जाते समझे। और कौन कौन ले नुकसान होते हैं घर से पैरा आग लगे से? आग लगे से प्रदूषण भी में अंतर पड़ती, जीव जंतु भी है। चार मगरुआ मन किंद्रत रहते ते मन कहाँ चारा पाही है? का नाम जी? मन नम्मू। कहाँ से है? सिल्ली है। दे दाएं के लगे है? कहाँ देखे सागी लगते हैं? अबे दे अब सिल्ली में लगे है, वो मुड़ पार में अगल ये नुकसान होते भाई। अब नुकसान तो वहाँ होने होना है, जीव जंतु कई ठक जीव जो नुकसान हो थे वहाँ नहीं होते जीव जंतु मन ला। अब वो खत्म हो जाए अब का हो ही, ओकर ले तो कुछ हो नहीं। का नुकसान होते बाबा? अब वही तो जीव जंतु अब सबे जीव ये मा नुकसान होते है कि नहीं। गरुआ मन ला का नुकसान होते है? अब चारा पानी के लिए होते, अब ये लोग आदि लगा दे तो नहीं हो ही, तो होने होना है।